गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम पहला पार्ट देख रहे हैं और दूसरे पार्ट की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप जरूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं यूज ऑफ लेट। देखिए फ्रेंड्स, लेट का प्रयोग कहां करते हैं हम? वर्ब के साथ ने और दो जिस सेंटेंस में आता है वहां पर लेट का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब के साथ ने और दो कैसे आता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो आदि। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको सुनने में भी मिलते होंगे, देखने को भी मिलते होंगे। उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे नहाने दो, ठीक है। तो जहां पर सेंटेंस के लास्ट में आपको ने और दो दिखाई देगा वहां पर आपको लेट का प्रयोग करना है। अब इसके दो रूल हैं। पहला रूल सिंपल, जिसे हम एफर्मेटिव रूल भी कहते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नेगेटिव रूल, डू नॉट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसे पढ़ने दो, उसे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और पढ़ने दो, देखिए वर्ब के साथ लास्ट में ने और दो दिखाई दे रहा है। अगर हम रूल के हिसाब से चलते हैं तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेट लगाया, लेट हिम स्टडी। हिम क्या है? हमारा सब्जेक्ट, लेट हिम स्टडी। अब यहां पर एक डाउट छोटा सा और आता है स्टूडेंट के मन में कि यहां पर ही क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप ध्यान रखें कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ही, हिज, हिम, जो हिम है हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही है हमारा सब्जेक्टिव केस है और हिज हमारा पोसेसिव केस है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है केस के ऊपर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। तो अगर आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो लेट के साथ हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, यानी कि मी, हिम, हर आदि। सेकेंड एग्जाम्पल, उसे काम करने दो। उसे हमारा सब्जेक्ट है, काम करने दो वर्ब हो गई। तो लेट हर वर्क, यहां पर हमने हिम लिया था, यहां पर हर लिया है क्योंकि यहां पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। मुझे टीवी देखने दो, देखने दो हमारी वर्ब हो गई, मुझे सब्जेक्ट हो गया और टीवी यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर हम एफर्मेटिव रूल से देखें तो लेट मी वॉच टीवी। तो ने और दो जहां पर सेंटेंस की लास्ट में आएगा आप लेट का प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलते हैं। जो सेंटेंस आओ और चलो से शुरू होते हैं, यहां पर लिखा हुआ है आओ और चलो से शुरू होने वाले वाक्य, जिनसे हम एक सजेशन या सुझाव की सेंस लेते हैं, यानी हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो वैसा कर लेते हैं, वहां पर भी आपको लेट का प्रयोग करना है। जैसे कि आओ खेलने चलें, तो आओ खेलने चलें, हम किसी को, हम अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं चलो भाई खेलने चलते हैं, तो हम एक सजेशन दे रहे हैं उनको, ठीक है, सुझाव दे रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में मोस्टली क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। जैसे कि अगर इसी सेंटेंस में बात करें हम आओ खेलने चलें, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि खेलने कौन जा रहा है भाई। तो एक कॉमन सी बात है, अगर मैं किसी के पास जाके बोलता हूं यार चलो खेलने चलें, तो सामने वाला और मैं, यानी कि दोनों को मिला के हो गया हम, तो वहां पर खेलने कौन जाएगा? हम। और वी का वी आर अस, ये हमारा अस जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो लेट अस गो टू प्ले, इसलिए हमने यहां पर अस का यूज किया है। तो जिस सेंटेंस में जो आओ और चलो से शुरू होगा, अगर आपको सब्जेक्ट बाय चांस नहीं दिखाई देता है तो आपको याद रखना है कि हमेशा लेट अस लगाना है उस सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपको लेट अस या लेट्स, ये दोनों चीज सेम है। लेट अस की कॉन्ट्रेक्शन लेट्स होती है, ठीक है, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो लेट अस भी कह सकते हैं आप और लेट्स भी कह सकते हैं। चलो खेलने चले, लेट अस गो टू प्ले। चलो मूवी देखते हैं, लेट अस वॉच मूवी, लेट अस वॉच मूवी। अब नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, उसे बाहर मत जाने दो। मत का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू नॉट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट यूज करना है, यानी कि डू नॉट लेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखते हैं, उसे बाहर मत जाने दो, डू नॉट लेट हिम, हिम मतलब हमारा सब्जेक्ट उसे, डू नॉट लेट हिम गो आउट। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल को वहां मत खेलने दो, डू नॉट लेट राहुल प्ले देयर, डू नॉट लेट राहुल प्ले देयर। यहां पर आपका सब्जेक्ट है राहुल, जो कि दिया हुआ है हमें,
ठीक है, और मत का मतलब है नहीं, राहुल को वहां मत खेलने दो मतलब राहुल को वहां नहीं खेलने दो। तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो डू नॉट पहले लगाना है लेट से, डू नॉट लेट राहुल प्ले देयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दो तीन बार अगर आप देखेंगे तो लेट का यूज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।